अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मेरे तमाम देखने नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश। ईद आने वाली है, ईद पे आप ये स्वीट डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बनाने वाला हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो चले आप बिना आपका टाइम ज़ाया किए फ्रूट कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जाजा हम फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करेंगे इस्तेमाल में लाएंगे, सबसे पहले तो जो मैं फ्रूट इस्तेमाल करूँगा, सेब 2 अदद, केले 1 आम, 1 आड़ू, ये जो मैं फ्रूट में इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद रफान वनीला कस्टर्ड ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, मिल्क पैक दूध जिसमें मैं कस्टर्ड को पहले बनाऊँगा। उसके बाद 2 ब्रेड के पीसेस जिसको मैंने साइडों से काट दिया है ये यूज़ करूँगा, मेवा यूज़ करूँगा, और ये थोड़ी सी मेरे पास ऊपर डालने के लिए मूँगफली है मेरे पास, तो ये मैं आज यूज़ करूँगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नाजी ये देख सकते हैं फ्रूट मेरे रेडी हो गए। चलिए अब मैं कस्टर्ड रेडी कर रहा हूँ। और नाजी सबसे पहले मैं कस्टर्ड का जो पेस्ट है वो बनाऊँगा। 1 गिलास पानी इस तरह के प्याले में डाल दूँगा। उसके बाद मैं कस्टर्ड को 3 चम्मच कस्टर्ड डालूँगा इसमें। और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से हिला दूंगा। तो सबसे पहले मैं 2 पैकेट दूध डाल दूंगा। उसके बाद 2 स्पून चीनी डाल दूंगा। इसको मैं अच्छी तरह हिलाऊंगा, दूध को सही तरह उबाइल होने दूंगा। नाज़रीन अब दूध में मैं डालने जा रहा हूँ जो मैंने कस्टर्ड इस तरह बनाया हुआ था, ये मैं बिल्कुल दूध में डालने जा रहा हूँ। ये मैंने सारा डाल दिया और उसके बाद मैं इसको मुसलसल हिलाता रहूँगा ताकि कस्टर्ड के गाढ़ा होने तक। कस्टमर रेडी हो गया, अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं अगला स्टेप करूंगा। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं इस तरह कस्टर्ड डाल दूंगा। बाद मैंने ब्रेड के इस तरह पीसेस कर दिया, अब इसको पीसेस को मैं डालने वाला हूँ। बाद इसके ऊपर सेब डालने वाला हूँ, उसके बाद मैं आम डालने वाला हूँ इन पे। अब इसको मैंने पूरा ऊपर से कस्टर्ड के साथ पूरा कवर कर देना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ये रख दूंगा हल्के हल्के।
नाज़रीन ये रेडी हो गए। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगा ज़रा आधे एक घंटे के लिए, इसको फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये कस्टर्ड भी जम जाए और जो सारा इसमें मैंने सब कुछ डाला है वो मिक्सअप हो जाए, तो फिर आपको ट्राई कराऊंगा। नाज़रीन फ्रिज से मैंने निकाल दिया, डिश में रेडी हो गया। चलिए अब इसको मैं निकालता हूँ और टेस्ट करवाता हूँ। आप टेस्ट करके हमें बताएं। चलो टेस्ट करते हैं। इतने मजे का मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। बहुत ही मजे की है नाज़रीन, मेरी फ्रूट कस्टर्ड डिश तो रेडी हो गई है। आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान तरीका है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही जबरदस्त स्वीट डिश बनेगी। तो आज की मेरी डिश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।